गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं 10 वर्ड, जिसमें हम लोग आज फिर डिस्कस करेंगे, जैसे डेली हम लोग मॉर्निंग में सीखते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इंग्लिश इम्प्रूव करना है, ठीक है, अपनी वर्ड पावर इम्प्रूव करना है। और एक स्पोकन अगर कर रहे हैं फिर भी उसके लिए वर्ड बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग उसके इम्प्रूव करने के लिए और हमारी जिद है, हम लोग डेली 10। और एक ऐसा होता है जो कि आपको हम न्यू वर्ड देते हैं डेली, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाली होती है, उसको आपको रिप्लाई करना होता है कमेंट बॉक्स में, जिसमें बहुत सारे, ये हमने कल दिया था आपका किट्टन, जिसमें से इसमें आपको बताना था इसका मीन्स क्या होता है, एडवांस में आपको बताना होता है, जिसको आप सर्च करते हैं या फिर आपको पता होता है, जिसका आपका रिवाइज्ड हो जाता है और आपको काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में मेमोराइज्ड हो जाता है। चलिए भाई देखते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग इनको समझते हैं। जैसे हम इस नंबर पे आएंगे तो फिर आपको बताया जाएगा किसने किसने सही आंसर दिया है, किसका गलत है और किसने दिया है या किसने नहीं दिया है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के, हमारा टॉपिक जो है, अभी हमारा टॉपिक यही चल रहा है जिसमें हम लोग देखते हैं, टॉपिक हमारा जो एनिमल है यानी कि जानवर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जानवर चाहे वो पालतू हों, घर वाले हों, चाहे आपके जंगली हों, दोनों हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं और आज की जो पहला है हमारा जो जानवर है यानी एनिमल बोले तो ये है हैना, ठीक है। इसको होना भी कहते हैं, हैना, ठीक है। तो हैना है इसको, इसका मतलब होता है लकड़बग्घा, यानी लकड़बग्घा भी शॉर्ट में, यानी लकड़बग्घा होता है ये। और ये इसकी स्पेलिंग की बात करें तो HYENA, ठीक है, हैना यानी कि लकड़बग्घा। लकड़बग्घा आप लोग जानते होंगे, आई होप कि जो गांवों में रहते हैं वो ज़्यादातर लोग जानते होंगे। लकड़बग्घा देखा हुआ, मैंने तो देखा हुआ है, ये बहुत ही डेंजर होते हैं। ये क्या होते हैं कि जैसे लोमड़ी और ये जो होता है लकड़बग्घा, ये क्या होता है कि आपके घर में घुस जाएंगे और छोटे छोटे बच्चे अगर पा जाएंगे ये, चाहे वो गैया का हो बछड़ा हो, चाहे आदमी का बच्चा हो छोटा छोटा, बकरी का हो या बकरी हो, कुछ भी हो छोटा मोटा, यानी कि जो उनके बस का होगा, वो क्या करते हैं, पकड़ते हैं, लाद कर ले चले जाते हैं जंगल की और मार कर खा जाते हैं। तो ये लकड़बग्घा बहुत डेंजर होते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन ये गांव में घुस जाते हैं कभी कभी। चलिए हम बात करते हैं आपके सेकंड नंबर की, तो HOG हॉग मतलब आपका दिया गया है सुअर, सुअर। और आप जानते होंगे पिग मतलब भी सुअर होता है, ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी शायद, उसमें आपको मिल जाएगा पिग। तो PIG मतलब भी पिग मतलब सुअर होता है, और HOG मतलब भी आपका हॉग मतलब भी क्या होता है, सुअर होता है, क्लियर है। सुअर आप लोग जानते हैं, हमने एक दिन जिक्र किया था, दो प्रकार के होते हैं, एक जो गाँवों में होता है पाले जाते हैं, मेरे गाँव में भी हैं, हम लोग पास से भी देखे उनको। और हम लोग मुकुंदपुर जब गए थे मेरे बर्थडे में 1 जनवरी को, तो हम लोगों ने नए साल में वहाँ देखा था कि वहाँ जो पार्क में यानी कि गार्डन में, यानी बोले तो उसमें जो आपका वाइट आपका टाइगर है रिजर्व आपका है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वो पाला हुआ था सुअर, जो कि एक जंगली सुअर होता है, जिनको वहाँ पे हम लोग देखा ना, तो वो पूरी हरकतें तो गाँव वाली जैसे कर रहा था, क्योंकि वहाँ भी पानी भरा हुआ था बढ़िया, और वहाँ पर वो लौट रहे थे, वहाँ पर कीचड़ फैलाए हुए थे और आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मतलब सेम वैसे ही, ठीक है, बट वहाँ लोग देखने जाते हैं और यहाँ उनको भगा देते हैं, ये दोनों अंतर है, ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर की, JACKAL, जैकाल मतलब होता है सियार, सियार बहुत ही चलाक, सियार लकड़बग्घा जैसे होता है, सियार भी खतरनाक, ये भी बच्चों को ढो ले जाता है, पकड़ ले जाता है, ठीक है, सियार। और सियार ही आप लोग जानते हो शाम के समय, जब शाम होता है ना गाँवों में, तो जंगलों में क्या होता है कि वो सियार बोला करते हैं, आवाज़ निकाला, बहुत डेंजर आवाज़ है, लगता है डर लगा करता है, बहुत बच्चे डर भी जाते हैं। तो जैकाल मतलब सियार होता है, क्लियर है, यस। ये बहुत ही शैतान, यानी कि लोमड़ी जो पतले, यानी कि ज़्यादा बड़े नहीं, कुत्ते के समान होते हैं, ठीक है, कुत्ते से थोड़ा बड़े होते हैं, बट डेंजर बहुत होते हैं। आपका अगला दिया है कंगारू, KANGAROO, कंगारू मतलब होता है कंगारू। कंगारू आप लोग जानते हैं जब पैदा होता है तो 6 इंच का होता है, कितने इंच का आपको ये मैं जनरल नॉलेज बता दूं, जब वो जन्म लेता है तो 6 इंच का होता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम बात कर दें, कंगारू हो गया, आपका आ गया फिफ्थ नंबर किट्टन, KITTEN, किट्टन मैंने आपको ये कल वर्ड हमने सर्च करने के लिए दिया था और इसका रिप्लाई करने के लिए तो काफ़ी लोगों ने दिया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं किसने किसने दिया है, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में लगा दूंगा आपको कमेंट बॉक्स, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ आपका ये, जैसे आपका ये मैं वीडियो ओपन कर लेता हूँ कमेंट बॉक्स,
आपका ये देखिए, जैसे ये आपका है वीडियो, इसमें आपका ये आपका कमेंट बॉक्स, नीचे चलते हैं हम लोग, 26 जुलाई का है, जिसमें ये देखिए इसमें नीचे बना हुआ है आपका, ये देखिए इसमें फर्स्ट कमेंट आया था जो कि सर किट्टन का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, सर ये मुझे पहले से पता है, शैलजा तिवारी। ओके, तो देखो इन्होंने क्या कहा, सर किट्टन का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली का जो बच्चे होते छोटे छोटे उनको किट्टन कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने बताया और कहा कि मेरे को पहले से ऑलरेडी पता था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ना। और इन्होंने कहा कि मैं शैलजा तिवारी, गुड, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, आज मैं इनका रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ किसी का कमेंट बॉक्स में, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आज इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं YouTube खोला ही नहीं अपना YT स्टूडियो, जिसमें मैं रिप्लाई आप लोगों को दे सकूं, हर्ट भी तक नहीं दे पाया मैं आज। चलिए बात करते हैं, ये प्रिया सिंह ने दिया है, ऑसम सर, लाइक भी इनके में एक है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू आपका। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है, सर किट्टन मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, मैं शिवम तिवारी, सर मुझको पहले से पता था, गुड। देखिए इनको भी पता था, यानी कि मैंने बहुत इजी वर्ड पूछ लिया था, क्या कल ऐसा लगता है आज, इसीलिए मैंने ये दिया है आपको एक कठिन सा वर्ड, अगर आज इससे आता होगा तो सरल होगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ नीचे चलते हैं, फिर यहाँ प्रिया सिंह ने जवाब दिया है, सर अच्छा मैं तनुष्का, अच्छा तनुष्का आज दी है, सर मैं तनुष्का, किट्टन का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, ये वर्ड मुझे नहीं पता था, इसका मीन्स मुझे बुक में मिला है, अच्छा बुक में मिला है, गुड। इन्होंने देखिए इन्होंने बताया कि हमें बुक मिला है, चलिए कोई बात, अब आपको याद रहेगा क्योंकि आपने रिसर्च किया उस पर, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दिया, 2 मिनट से ज़्यादा ही दिया होगा आपको, तो आपने दिया उसको, अब आपको याद होगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, चलिए धन्यवाद। अब देखिए इसमें अगला है आपका, गुड आफ्टरनून सर, थैंक्स सर, अच्छा शैलजा ने कहा गुड आफ्टरनून, अच्छा इन्होंने बाद में वीडियो देखा होगा लगता है, अच्छा लेट थी आज मेरी वीडियोज, ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए हम बात करें आगे की, तो आगे की दिया गया है भाई, फिर से देखिए आया है, ये शिवम ने बोला है गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग इसमें तो है फिलहाल। देखिए यहाँ पे दिया गया है, अमर सिंह ने क्या कहा कि सर किट्टन का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, सर मैं अमर सिंह, सर मुझे गूगल से मिला है, अच्छा इन्होंने गूगल में सर्च किया है तो इनको किट्टन मतलब बिल्ली का बच्चा पता चला, बहुत ही बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, अब आपने मतलब सर्च किया तो आपको याद रहेगा, धन्यवाद रिप्लाई के लिए। आगे देखते इन्होंने कहा वेरी वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इन्होंने कहा मस्त है, अच्छा चलो ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अगला यस सर, ओके, चलिए इन्होंने ये इसमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की कोशिश की, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना, तो सभी का सही था लगभग, यानी कि चलिए तो हम इसमें लिख देते हैं बिल्ली का बच्चा, ठीक है बिल्ली का बच्चा, ठीक है हमने लिख दिया बिल्ली का बच्चा, क्लियर है, अब आपको याद भी हो गया। चलिए हम बात करें आपका 6 नंबर, किड, KID, सिंपल सा, किड मतलब बकरी का बच्चा, क्या हम लोग गॉट मतलब बकरी पढ़े थे, बकरा, सी ही, बस जेंडर चेंज कर देना, सी गॉट ही गॉट, और आपका ये हुआ किड मतलब बकरी का बच्चा हो गया, ठीक है, आप डेली जब पढ़ते रहेंगे तो आपको एक सीक्वेंस और एक आपको कनेक्शन सा फील होगा इसमें और आप याद होता जाएगा। लैम्ब यानी होता है LAMB, लैम्ब मतलब भेड़ का बच्चा, भेड़ का बच्चा, ठीक है बिल्कुल। अगला हमारा है लियोपार्ड, LEOPARD, लियोपार्ड मतलब तेंदुआ होता है जो कि चितकबरा टाइप का होता है, कई सारे कलर होता है उसको, मैंने सामने से मैंने देखा है मेरे गाँव में, एक बार निकल रहा था ये, एक पानी निकलने वाली एक पुलिया होती है जो पुल होता है वहीं के बगल से ये निकल रहा था, थोड़ा बहुत जंगल पहले था। चलिए बात करते हैं हम 9th नंबर की, LION, लॉयन मतलब शेर होता है, ये तो सभी को पता है। मेयर, MARE, मेयर मतलब घोड़ी होता है, ठीक, हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, इसका हम लोगों को फेमिनाइन एंड आपका मैस्कुलिन दोनों जेंडर हमको पता चल गया। चलिए भाई बात करते हैं हम लोग आज के न्यू वर्ड की, न्यू वर्ड आपका मस्क डियर, क्या है भाई मस्क डियर मतलब क्या होता है, ये आप लोग हैं, जिस जो जो रिप्लाई देगा वो अपने आप को यही इमेजिन करेगा कि मैं हूं और मेरे को जवाब देना, ये यू है आप, हाँ, और आपको जवाब देना मस्क डियर मतलब क्या होता है, आई होप कि शायद किसी को पता हो, पता भी होगा पहले से, फिर भी आप लोग रिप्लाई देंगे और पता बताएंगे कि आपको कैसे पता चला। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको ये यूजफुल लगा होगा, तो ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए,
ठीक है, बिल्कुल। और एक लाइक कमेंट तो बनता है, आप करके बताइए हमें, ठीक है, बिल्कुल। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हम विदा लेते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सभी को जय हिंद।